मैरीन क्विकली डू एंड देन टेल मी द आंसर. वेयर इज मैरीन? रेज योर हैंड. चलिए कोई बात नहीं, अपना सिक्स है वाला जो है सर होंगे यहाँ पर. सर प्लीज स्विच ऑन द माइक, जूम से आपका माइक ऑफ है. बातें नहीं, बात यू हैव टू, व्हाट आर द टू पैरामीटर्स यू हैव टू आइडेंटिफाई. द टू पैरामीटर्स आर 5 मीटर. फर्स्ट इज शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स. एंड अनदर इज क्लॉथ नीडेड. मैरीन इफ यू हैव डन कम क्विकली. कम नियर माइक, जल्दी से. यस टेल मी, पहले कितनी शर्ट के लिए हमें गिवन डाटा क्या है? नंबर ऑफ शर्ट्स आर फर्स्ट क्या है? सेंटीमीटर. बेटा सेंटीमीटर में तो शर्ट बनेगी क्या? पहले टेल मी दिस थिंग. सेंटीमीटर कहां पर है? ठहरो देखें जरा मेरे, एक मिनट. कितना इज इट, 5 मीटर की 5 सेंटीमीटर? 5 मीटर. 5 मीटर. नंबर ऑफ शर्ट्स 5 मीटर, कितनी शर्ट्स के लिए? 9 शर्ट्स. पढ़ो कर, फर्स्ट लाइन पढ़ो, रीड द फर्स्ट लाइन. फॉर स्टिचिंग 9 शर्ट्स. अ शर्ट कैन बी राइट, अ शर्ट कैन बी स्टिच्ड यूजिंग 5 मीटर. बट डज दिस मीन शर्ट पंजाबी में तो क्लॉथ रिक्वायर्ड हो जो स्टिचिंग के लिए वो 9 शर्ट्स में होगा, जो 5 मीटर क्लॉथ है. कितनी शर्ट्स के लिए? एक शर्ट के लिए कि 9 शर्ट्स के लिए? 9 शर्ट्स के लिए. अपना देखो, अ शर्ट कैन बी, क्या है क्वेश्चन? अ शर्ट कैन बी स्टिच्ड यूजिंग 5 मीटर क्लॉथ. दिस मीन्स अ शर्ट मीन्स वन शर्ट कैन बी स्टिच्ड, वो स्टिच हो सकती है कितने क्लॉथ से? 5 मीटर क्लॉथ से. उसके बाद है हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, 9 शर्ट्स के लिए कितना क्लॉथ चाहिए? ओके तो Yes. टेल मी नंबर ऑफ शर्ट्स. अगर 5 मीटर हियर देन हाउ मेनी शर्ट्स? 5 मीटर से कितनी शर्ट बनती है? वन. वन. यस वन. देन हाउ मेनी शर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्टिच्ड? बोलने दो नहरीन को, बोलने तो. 9. तो 9 के लिए बेटा कम या ज्यादा कपड़ा? ज्यादा लेट मोर देन 5. तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 5 बाय 9 और वी विल मल्टीप्लाई 5 इनटू 9. ऑडिबल. यस यू आर ऑडिबल. मल्टीप्लाई. यस इट इज मल्टीप्लीकेशन, 5 इनटू 9. हाउ मच मीटर्स ऑफ क्लोथ? 9 5 45 मीटर्स. तो आंसर इज, सिट डाउन नरी, आंसर इज 45 मीटर. यू हैव टू सी द यूनिट्स.
सेंटीमीटर छोटा है, गिवन इज मीटर, सो यू हैव टू सी दिस इज 45 मीटर. इज इट डन? सबने लिखा? टीचर्स प्लीज चेक, बिकॉज स्टूडेंट्स स्टिल रिक्वायर प्रैक्टिस ऑफ यूनिटरी मेथड. ठीक है, तभी काम कर पाएंगे. थोड़ा सा देखें कि ये कर पा रहे हैं कि नहीं. इज इट ओके स्टूडेंट्स? मैम यस. एवरीबॉडी डन? यस. So now write down, everybody write down this question. A car travels 228 kilometers in 3 hours. दो पैरामीटर्स है. देखो राइट में कौन सा लिखना है, कौन से दो पैरामीटर्स है? डिस्टेंस एंड टाइम. दीज आर द टू पैरामीटर्स. बहुत ध्यान से. सेवंथ एफ वारिस ने मुझे आंसर देना है. सिक्स्थ एफ वारिस. सॉरी सिक्स्थ एफ वारिस. आई एम सॉरी आई एम सॉरी. सेवंथ वारिस ने आंसर दिया. यस टेल मी, हमने लेफ्ट साइड कौन सा पैरामीटर लिखना है, राइट साइड कौन सा लिखना है? राइट साइड हमें वो लिखना होता है विच वी हैव टू फाइंड आउट. हमारे पास टू पैरामीटर्स है, डिस्टेंस एंड टाइम, बट वी हैव टू राइट ऑन द राइट साइड. ठीक है, फोन से पूछ के नहीं. गर्ल्स नो. हाँ वारिस, देखो हमारे पास दो पैरामीटर्स है. सी हियर, अपना सोच के. वन इज डिस्टेंस, एक डिस्टेंस है और एक टाइम है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 912 किलोमीटर? बट डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय ट्रेवल. ऐसे मल्टीप्लाई नहीं, हमने दो चीजें लिखनी है. एक इनमें एक चीज, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ लिखना है, राइट साइड में कुछ लिखना है. राइट हम वो वाला पैरामीटर लिखते हैं जो हमने फाइंड आउट करना है. हमने क्या? टाइम. टाइम, यस टाइम. इट मींस वी हैव टू राइट डिस्टेंस हियर. व्हिच डिस्टेंस इज गिवन? टेल मी क्विकली, कितना डिस्टेंस हमें गिवन है और टाइम गिवन है, जल्दी से बताइए. 228 किलोमीटर इन 3 आवर्स. 228 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स. वेरी गुड. कितने का हमने फाइंड आउट करना है? 912 किलोमीटर. पहले हम 1 का फाइंड आउट करेंगे. यस यस. तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस 3 आवर्स से कम होगा. यस और नो? मैम यस. तो हम 3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 228 से? यस और नो? मैम यस. एंड देन वी हैव टू फाइंड 912. अब बताइए मुझे क्या लिखूं यहाँ पर. ऑब्वियसली 1 किलोमीटर से ज्यादा टाइम लगेगा. 1 किलोमीटर का ये टाइम है, 912 का क्या होगा? मैम प्लीज रिपीट अगेन. 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस मच टाइम. हाउ मच टाइम इज टेकन टू ट्रेवल 912? मैम 2, मैम 3 मल्टीप्लाई 3. यू हैव टू राइट 3 बाय 228 फॉर 1 किलोमीटर एंड देन मल्टीप्लाई. नॉट ओनली 3, बट अभी भी कोई चीज ज्यादा दी है तो 1 का निकालना है, फिर उसके बाद थर्ड पैरामीटर करना. यस मैम. सो 912. कैन यू कैलकुलेट दिस जल्दी से? बाकी के बैठो बेटा, व्हाट इज यू सिट डाउन.
टेल मी, जिसने कैलकुलेट किया है फॉरवर्ड एंड टेल, ये वॉलंटरी आंसर बताएंगे, जिसने कैलकुलेट कर लिया कम फॉरवर्ड नियर द माइक, आ जाओ आ जाओ, जो आ जाता आराम से आराम से। हाँ जी, सिक्स ए में से आ रहा है स्टूडेंट ए। ऑप्शन इट इज बी ऑप्शन डी ऑप्शन, इट इज 12 आवर्स। कैलकुलेट करोगे आंसर इज डी, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो है ना, ये आप करोगे कैलकुलेट तो आपको पता चल जाएगा। बेटा बिल्कुल नहीं, आपके सेंटर में से आवाज आती है बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट साइलेंट। एवरीबडी जन चले आगे। बेटा देखो थ्री, आप थोड़ा सा आपको आई हो काटना आता ही होगा। 7 21 रह गया, 3 6 18, इसको 2 से काटो, 4 से काटो, डिवाइड करो तो यू विल डू दिस राइट। और अगर ऐसा भी आंसर, बट मल्टीपल चॉइस अगर होगा तो आपको एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करना हो। नेक्स्ट कम टू वन क्वेश्चन, क्विकली डू, जल्दी से। 12 प्लस कॉस्ट रुपीज 156, व्हाट डू 28 प्लस कॉस्ट कॉस्ट। लिखो लिखो लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द क्वेश्चन, देन वी यू विल टेल। सिक्स डी में से मुझे बताना है बेटा। अरमान, अरमान इज देयर, सिक्स डी दिल्ली, अरमान पहले बेटे कर लो कर लो कर लो, एक मिनट फिर मुझे बताओ। सिक्स है बिल्कुल, पिन ड्रॉप साइलेंस। हमने क्या फाइंड करना बच्चों, जिस स्टूडेंट को बुलाया था हमने, आ जाओ सिक्स डी में से, आ जाओ बेटा कम फॉरवर्ड। टेल मी टू थिंग्स आर गिवन, नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स एंड कॉस्ट, टेल मी व्हाट यू विल राइट ऑन द राइट साइड। राइट साइड, राइट साइड, जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है वो राइट साइड में। टेल मी कौन सा राइट साइड में लेंगे। कॉस्ट, ओके वेरी गुड। और लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे बेटा। दिस फ्लावर पॉट, जोर से बोल बता रहे, चलिए लिखे हुए हैं फ्लावर पॉट वहां पे 12। की कॉस्ट कितनी है 1 पर 3, फिर हमने किसको डिफाइन किया बेटा, क्या लिखूं यहाँ पर, इस साइड क्या गिवन है। 12 फ्लावर पॉट्स कॉस्ट रुपीज, इसके नीचे क्या लिखूं बेटे। 12 एंड व्हाट इज द कॉस्ट, जोर से बोलो जोर से। इट इज 156। नाउ पहले हमने कितने की निकालनी है, 1 की निकालनी है।
हमेशा जब ज्यादा की दी हो तो बन के निकालो, और बन के निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, डिवीजन की मल्टीप्लिकेशन। लेटर मान चल, लेटर मान चल। हाँ, किसको किससे डिवाइड करूं बेटा? बताओ व्हाट शुड आई राइट? मुझे या तो आपकी आवाज रही या बोल बहुत धीरे रहे हो बेटे। सम गर्ल बेटे बोलना जरा, देखें आवाज क्यों नहीं आ रही है। नीचे नीचे रखो थोड़ा सा इसको। बोलो। हाँ यस मैम। हाँ क्यों आ रही है बेटा, ये क्या बोल रहा है बेटा बताओ। हाँ इसको किससे डिवाइड करूं बच्चे? ट्वेल्व को 156 से कि 156 को 12 से? बेटा जो चीज यहाँ पे है ना राइट साइड में उसको तो लिख ही देना है, उसको नहीं हमें नीचे लेके जाना। जो लेफ्ट में है उसको करना है मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो बताओ क्या करूं मैं 156 डिवाइड में 12? तो राइट साइड है, तो राइट साइड में रहेगी। आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड वाली चीज। ठीक है, एंड नाउ हमने कितने फ्लावर पॉट्स? 28। बताओ अरमान, 28 की कॉस्ट 1 से ज्यादा कि 1 से कम? मोर देन वन, राइट? तो वन की जब ज्यादा होगी तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई। आई होप मल्टीप्लाई ही बोल रहे हो, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं नजर आ रही है। द गर्ल्स आर स्पीकिंग क्लियरली बट यू आर नॉट। सो यस, मल्टीप्लाई वन की कितनी कॉस्ट थी? इतनी। एंड 28 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? हम मल्टीप्लाई करें, राइट? निकाली आपने कॉस्ट, चल बैठ के कॉस्ट निकालो। एंड टेल टू दैट गर्ल शी विल टेल मी। बेटा जो अरमान बताएगा उसका आंसर मुझे बताना। कितना आंसर आ गया बच्चे आप बताओ। यस यू कैलकुलेट कीजिए फटाफट से। तो देखो 60 में से कितने हैंड्स रेज हो गए हैं? वेरी गुड वेरी गुड। सिक्स्थ सी में से बेटा फर्स्ट गर्ल इन ग्रीन शर्ट। यस बोलो। 364। यस आंसर इज 3। ₹364। कैलकुलेट करो, देखो आंसर लिख लो अभी, जिसकी कैलकुलेशंस नहीं हुई लेकिन कैलकुलेट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है बेटा, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट विच बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। समझो मुश्किल नहीं है। एक की कॉस्ट कितनी? ज्यादा की कॉस्ट मल्टीप्लाई, ज्यादा की दी हुई है एक की निकालनी है देन डिवाइड। जो राइट साइड में है बेटा उसको हमेशा ऊपर ही लिखना है, उसके नीचे जो लेफ्ट में है ये देखना पड़ेगा कि वो डिवीजन में जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन। बट राइट साइड इज ऑलवेज, कभी 12 by 156 नहीं करना, राइट? अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि 12 by 3 जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है, राइट साइड वाला, उसको आपने चेंज नहीं करना, कि लेफ्ट से लेके आ रहे हो उसको। ओके नाउ इफ यू वांट टू, आई हैड, आपकी टर्न आ गई आपकी क्लास में। चलिए नाउ इफ दिस इज अ वायर, दिस इज यू नो डायामीटर ऑफ द वायर। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डायामीटर ऑफ द वायर हाउ विल यू डू दैट? व्हाट वी विल डू, टेक अ पेंसिल एंड यू नो रोटेट इट ऐसे करके इसको। अभी मेरी थोड़ी सी वायर जो है, लेट मी क्लिक अनदर वायर, थिन वायर, ये वायर है। आई विल मेक कॉयल्स ऑन द वायर, राइट? ये कॉयल्स मैं ले लूंगी।
और अब जितने भी कॉइल्स मैंने बनाए साइट हम ले लेंगे और एकदम साथ साथ, राइट? तो इफ यू कैन सी हियर, आई हैव टेकन 1 2 3 4 5 6, सिक्स कॉइल्स आर देयर एंड देन आई विल टेक द स्केल और मैं इस स्केल पे ऐसे रखूंगी एंड आई विल सी इट इज 1 2 3 4, है ना? आपको नहीं नजर आ रहा बट इट इज 4 सेंटीमीटर, 5 कॉइल्स की थिकनेस, 5 कॉइल्स का डायमीटर। इधर देखो बेटा, 5 कॉइल्स का डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो हम 1 का निकाल सकते हैं, लेट अस डू, है ना? हम इस तरह से करेंगे और हम ये क्वेश्चन करते हैं। सिक्स सी, सी में से बेटा आप ये देखते चलो, है ना, जो बोर्ड पे है सी दिस, और सिक्स सी में से आ जाइए बेटा, सिमरनप्रीत, सिमरनप्रीत सिक्स सी आ जाओ बच्चे। हाउ मेनी कॉयल्स आर देयर इन द डायग्राम? कितने को ऊपर लिखा हुआ है बेटा, मैं कोई नई चीज तो पूछ नहीं रही। कितने कॉयल्स है वायर के? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आपकी क्लास में तो आवाज आ रही थी बट आपकी नहीं आ। जोर से बोलो जरा, माइक नीचे ही रहने दो और जोर से बोलो, माइक रख दो टेबल पे। हाँ जोर से बोलो। हाँ अब बोलो। हाँ, हाउ मेनी क्वाइल्स? 14 क्वाइल्स। आज व्हाट इज द थिकनेस? देखो जरा, यहाँ पे स्केल पे कितनी थिकनेस है अगर हम देखें, यहां से लेकर यू कैन सी हियर, तो हम क्या है, ये तो 1 सेंटीमीटर तो है ही है, 1 2, और उसके बाद कितनी लाइंस है? 1 2 3 4 5, इज इट राइट? सो डायमीटर और थिकनेस ऑफ नंबर ऑफ कॉइल इज 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है? अब कैलकुलेट करो कि 1 कॉइल की थिकनेस कितनी होगी, कैलकुलेट करके मुझे बताओ। बैठो बेटा, कैलकुलेट कीजिए एंड देन टेल मी। 14 कॉइल्स की थिकनेस दी हुई है, 1 कॉइल की थिकनेस निकालनी है। यहाँ पे 2 पैरामीटर्स, नंबर ऑफ कॉइल्स एंड थिकनेस। जो फाइंड करना है उसके आपने राइट साइड रखा है, क्लियर है? फाइंड सिक्स साइड आएंगी, थिकनेस सिक्स साइड। कर लो बेटा, सिक्स ई सेकंड बेंच, जल्दी से डू इट। सिक्स सी मिडल रो सेकंड बेंच, आपसे मैंने पूछना है बेटा, द गर्ल इन द ग्रीन शर्ट, कर नहीं रहे हो आप? बेटा आई हैव सच अ बिग स्क्रीन दैट आई कैन नो द एक्सप्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, और जो नहीं करता वो भी मुझे दिख जाते हैं। तो सिक्स सी में से मिडल रो में सेकेंड बेंच पे द गर्ल इन द ग्रीन शर्ट, शी विल टेल मी। आर यू फाइंड आउट, गिव मी आंसर फास्ट। वेरी सिंपल, ओनली 1 कॉइल का आपने थिकनेस निकालना है, यहाँ पे क्या होगा आपकी डिवीजन के मल्टीप्लाई, किसके साथ करनी है? डिवाइड और मल्टीप्लाई। हम डिवाइड,
इसको किससे डिवाइड करना है? 2.5 को 14 के साथ. वेरी गुड, 2.5 को 14 के साथ, 14 सेंटीमीटर. विल यू डू दिस? बाकी सब कर लेंगे मैम. यस. कैलकुलेशन करोगे मैम? यस. करके देखो जरा, ठीक है, करो जरा, कोई बताएगा मुझे? बैठ जाओ बेटा, सिट डाउन. वेरी गुड. अगर इतना भी लिख दोगे ना, इवन देन इट्स ओके. ठीक है, 2.5 डिवाइडेड बाय 14 सेंटीमीटर. डोंट राइट कि भाई हमने पूरा करना है अगर टाइम नहीं, राइट? कैलकुलेशन बाद में करना. आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन राइट डाउन दिस क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन लिखो. दिस इज अ केस स्टडी क्वेश्चन और ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में आ सकता है. केस स्टडी. राइट डाउन क्वेश्चन 5. अ वायर इज कॉइल्ड अराउंड अ पेंडुलम. द लेंथ ऑफ 100 कॉइल्स इज 1 सेंटीमीटर. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वायर? जल्दी पहले क्वेश्चन को लिखो, फिर समझो क्या. दिस इज डॉन टॉप. हंड्रेड कॉइल्स 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी. 100 कॉइल्स का डायामीटर 1 सेंटीमीटर है. पहले आपने वही देखना है कि राइट में क्या लिखना है, लेफ्ट में क्या लिखना है. आपने क्या फाइंड आउट करना है? डायामीटर. यू हैव टू फाइंड आउट डायामीटर ऑफ द वायर और डायामीटर ऑफ 1 कॉइल. यू कैन राइट डाउन डायामीटर. बट वन कॉइल का डायामीटर यू हैव टू फाइंड आउट. क्वेश्चन ये आना है, इंपॉर्टेंट करके लिखो. नंबर एग्जाम यूनिट टेस्ट राइट डाउन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए आ सकता है. रेज योर हैंड्स हु हैव डन इट. फर्स्ट पार्ट जिसने कर लिया वॉलंटियर आओ. सिक्स किसमें से, किसमें बी में से आएगा कोई स्टूडेंट? सिक्स बी वॉलंट्री सम स्टूडेंट कम. वी आर डूइंग. ओके कर लो, कर लो अभी. एक का बताना डायमीटर ऑफ द वायर. 1 पॉइंट लेफ्ट हेयर मीन्स डायमीटर. 1 पॉइंट का डायमीटर. मार्केट में 100 कॉइल्स का 1 सेंटीमीटर होगा. 1 कॉइल का कितना होगा? 0.01. सिक्स बी एनी स्टूडेंट का जल्दी से एक बच्चे मैम किसी को भेज दो. सिक्स डी बेटा स्विच ऑन योर कैमरा. दिया कम. यस टेल मी दिया. पहले तो मुझे अगेन बट वी हैव टू राइट ऑन लेफ्ट साइड, बट वी हैव टू राइट ऑन राइट साइड. हमें क्या दिया हुआ है? कॉइल्स और उनका डायामीटर.
मैम डाया मैम ऑन लेफ्ट साइड वी हैव टू राइट डायमीटर निकालना क्या है बेटा हमने, बट वी हैव टू फाइंड। मैम डायमीटर ऑफ वन कॉइल। मैंने क्या बताया, जो हमने डाया जो निकालना होता है, बट वेयर वी हैव टू राइट इट, लेफ्ट और राइट? मैम राइट। राइट। सो डायमीटर यू हैव टू राइट हियर, नंबर ऑफ कॉइल्स यू हैव टू राइट। व्हाट इज गिवन? यस टेल मी, व्हाट इज गिवन? कितनी कॉइल्स का कितना डायमीटर? 100 कॉइल्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यस। और हमने फाइंड आउट कितने का करना है? नहीं मैम 150। बेटा, ये देखो, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द कॉइल? यस, मैम वन कॉइल। लेट हर टेल, दिया विल टेल। यस हाँ जी, किस क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई? इसको डिवाइड किससे करेंगे, 100 by 1 के 1 by 100? मैम 100 by 1। ध्यान से देखो, राइट साइड वाला हमने चेंज नहीं करना है, वो वही रहने देना है। इसको हमने डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, बताइए क्या आएगा? मैम 1 by 100। हाँ, 1 by 100। और डेसिमल्स आपको लगाने आते हैं बेटा? बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। 2 0 है ना बेटा, तो ये और 1 0 इसके आगे और लगा देंगे, किया है ना फिफ्थ में भी डेसिमल्स, राइट? मैम यस। पता चला कैसे किया ये हमने? यस और यस नो? चलिए बैठिए, सेकंड रीड करो अभी। वायर हैज 150 कॉइल्स ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वायर? गो टू योर सीट, सिट डाउन बेटा, वेरी गुड। एंड देन ओके, 150 कॉइल्स, 150 कॉइल, सेकंड पार्ट कीजिए जल्दी से। यहाँ पे आएगा 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे आएगा। फिर आपने एक कॉइल्स का फाइंड करना है, 1 यहाँ पे लिखोगे, 30 over 150, पता है ना? तो फाइंड करना होता है किस साइड कितना आपने लिया है। या मैंने आंसर फाइंड बोला है, जल्दी करके दे योर हैंड टू इट फास्ट। गुरनीत, कम फॉरवर्ड बेटा, वेरी गुड, जल्दी से बताएंगे आप। अब बी पार्ट है, वायर बी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ लिखो वायर बी। टेल मी व्हाट इज द डाटा गिवन, कितनी कॉइल्स है, कितनी डायमीटर है? स्क्रीन पे देख लो, हाँ कितनी कॉइल्स है बेटा? 150, और उसका कितना डायमीटर है बेटा? 150 कॉइल्स का कितना डायमीटर है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। हमने कितनी कॉइल्स का निकालना है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वायर और वन कॉइल? लिख लेना क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ वन कॉइल कितने का निकालना है बेटा, क्या लिखूं यहाँ पे? अब मुझे बताइए बेटा, टेल मी व्हाट वी विल डू, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, वन का कम कि ज्यादा? कम कम। डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई? किसको डिवाइड करेंगे, 150 by 3 की 3 by 150? हाँ जी, किसका आएगा राइट टीचर? 150। क्या दोबारा से? 3 by 150। वेरी गुड वेरी गुड, 3 by 150 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको करेंगे 3 5 15 0, तो ये क्या गया, 1 by 50, राइट? तो 1 by 50 को आप करके देखो, 1 को 0.02, इज इट राइट और नॉट? ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? जीरो पॉइंट
0.02। और हमने फर्स्ट का क्या निकाला था बेटा आंसर, व्हाट इज द, यहाँ पे क्या निकाला था, 0.01, यस और नो? तो देखो यहाँ पे वायर ए का डायमीटर कितना है, मैम प्लीज एक्सप्लेन द बी पार्ट अगेन। मैं बताती हूँ बेटा, बी पार्ट में 150 कॉइल्स का 3 है सेंटीमीटर, तो 1 का कितना होगा, 3 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। और जब हमने इसको 3 को 150 से डिवाइड किया, डिवीजन आपको आती है, आंसर कितना आ गया, 0.02। ओके ठीक है, डिवाइड तो बेटा अब आपको इतना देखना पड़ेगा। तो वायर ए का डायमीटर है इतना, वायर बी का डायमीटर है 0.02 सेंटीमीटर। नाउ टेल मी बेटा, सिक्स बी में द गर्ल स्टैंडिंग, आउट ऑफ वायर ए एंड बी विच वायर इज थिकर देन अनदर, वायर ए के वायर, मैम वायर बी। गुड, वेरी गुड, नाउ सिट डाउन, वेरी गुड बेटा बैठो। सो वायर बी इज थिकर, आई होप एवरीबडी हैज dictated has written this question और उसके बाद answer, ठीक है सबने लिखा, yes. हो गया, आगे चले, yes. Then, if this is the photo frame and मेरे पास ऐसा photo frame तो नहीं था, but let us say this is a trophy and I want to, you know, cover it with lace. And I don't have tape, I have thread. And how will you measure it? ठीक है, अभी मेरे पास थ्रेड भी नहीं है. So what I have done, कि मैंने इसको यहां से, देखिए ये मेरे पास थ्रेड है, मैंने इसको यहां से लिया और इसके साथ साथ बिल्कुल हमने क्या किया, इसको मेजर किया, बिल्कुल टाइटली हमने इसको मेजर किया विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। यहां तक मेरे पास आया और देन आई वेंट टू द शॉप कि मुझे इतनी जो है इतनी मुझे लेस दे, और इसको उसने कैसे मेजर किया, उसने अपना मीटर स्केल निकाला और इस धागे को, थ्रेड को उसने उसके ऊपर मेजर कर लिया, ओके ठीक है। तो इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स, राइट डाउन, वी कैन मेजर, we can measure the length of irregular objects. Irregular means जिनकी कोई सीधी शेप नहीं है, irregular और circular objects, circular big objects. We can measure the length of the irregular और सर्कुलर बिग ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड देन स्केल। प्लीज रिपीट, वी कैन मेजर द length of irregular objects or circular objects with the help of thread and scale, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, tell me, and who will tell me, sixth e, I hope मुझे आवाज आएगी sixth e की,
रजत रजत विल टेल मी रजत यू हैव टू टेल मी कि हमने यहाँ से थ्रेड लिया, यहाँ पे हमने थ्रेड लगाया और हम की सारी लेंथ जो है वो मेजर की, तो हम बेटा व्हाट आर वी मेजरिंग एक्चुअली, आर वी मेजरिंग इट्स एरिया और आर वी मेजरिंग इट्स पेरीमीटर। मैम पेरीमीटर और पेरीमीटर रजत तो एक ही है जिसने ने पूछा ना। यस यू टेल मी सिक्स सी स्टूडेंट, यस टेल मी मैम पैरामीटर पेरीमीटर, पैरामीटर नहीं इट्स पेरीमीटर, राइट। सो आंसर इज हियर इट इज पेरीमीटर। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था और मैं बट ठीक है, सिट डाउन गो टू योर सीट। ठीक है जी, तो वी मेजर द पेरीमीटर, जब हम बाउंड्री मेजर करते हैं तो हम पेरीमीटर मेजर। ओके चलिए, पेपर यू नो ये हमने कट किया था कि ऐसे हम लेंथ रखेंगे जितने भी पेपर्स है और उसका वन का निकालना है तो डिवाइड कर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक लिखिए पैरेलेक्स एरर, राइट डाउन पैरेलेक्स। मैम प्लीज एक्सप्लेन द प्रीवियस क्वेश्चन। मैं अभी बताती हूँ बेटा, देन आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो। राइट डाउन फर्स्ट एवरीबडी, राइट डाउन इन योर कॉपी जल्दी से। यस पैरेलेक्स एरर, बेटा जब भी कुछ मेजर करना है, इफ वी वांट टू मेजर, इफ वी वांट टू सी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इफ वी वांट टू सी ऑन द स्केल, वी हैव टू कीप द स्केल ऑन द एट द लेवल ऑफ अवर आईज। साइड से इफ वी सी फ्रॉम द साइड वी कैन नॉट सी द करेक्ट मेजरमेंट, राइट। इफ वी सी फ्रॉम द साइड, इफ दिस इज द स्केल एंड कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं और मैं इधर से देख रही हूँ, राइट साइड में से देख रही हूँ, देन देयर विल बी एरर। आई कैन नॉट सी द एक्चुअल रीडिंग, आई विल सी द एक्चुअल रीडिंग इफ आई कीप द स्केल पैरेलल टू माई आईज, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज यू नो दिस इज द लिक्विड लेवल ऑफ लिक्विड, वन पर्सन इज सीइंग फ्रॉम हेयर एंड वन पर्सन इज सीन फ्रॉम हेयर एंड वन पर्सन पैरेलल, सो दिस वन द पर्सन हु इज सीइंग दिस हेयर, करेक्ट। आप थोड़ा सा इस पे स्क्रीन पे ध्यान से देखो, यू कैन सी कि दिस पर्सन उसको क्या लग रहा है कि लिक्विड इतना है, इसको कितना लग रहा है लिक्विड इतना है, ओनली दिस पर्सन कैन गिव द करेक्ट रीडिंग। ओके सो व्हाट इज पैरेलेक्स एरर, राइट ऑन कि फॉर मेजरिंग ऑन एनी स्केल, फॉर मेजरिंग ऑन एनी स्केल, राइट डाउन फॉर मेजरिंग ऑन एनी स्केल इफ पर्सन, फॉर मेजरिंग ऑन एनी स्केल इफ अ पर्सन ऑब्जर्व्स द स्केल, इफ द पर्सन observe the scale from the side from the sides comma he cannot get anything, he or she cannot get
And please repeat again. Actual reading. Okay. For measuring on any scale. If a person, ये मैं यहां पे लिख रही हूं थोड़ा सा. If a person observes the scale sides, then he cannot get actual reading. He or she cannot get actual reading. Everybody rest करके नहीं बैठना है, लिखना है ये. This is called as आगे भी लिखो. This is called as parallax error. This is called as parallax error. Second point likhiye, to get correct reading. The scale should be parallel to eyes. एक क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल स्विच ऑफ द क्लास. टू गेट करेक्ट रीडिंग द स्केल शुड बी पैरेलल टू आईज. आई एम डन. कर लो. अच्छा. Now tell me, have you done this chapter in the school? Have you started this chapter in school or not? Started. Yes. Okay. Now. बहुत disturbance है बेटा, बहुत disturbance. But last point. Tell me, out of this, which is the correct reading on the scale? What is the correct length of 6.2 centimeter? Yes, it is 6.2 centimeter. Very good. Question aa sakta hai objective mein. Yes. Which one is right? A, B, or B option. B option. B. 8.3 centimeter. Very good. And I think, yes, Mary wants. Last, ये मैं पूछूंगी, बताना नहीं है. जल्दी से. Mary wants to read the volume of water. कौन सा पोस्चर सबसे ज्यादा ठीक है? जल्दी से. यस रेस. इस तरह तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी. ए कृति. कृति जल्दी से कम फॉरवर्ड एंड देन चल. आंसर इज, अगर आपने आंसर ये दिया है तो आंसर इज 3. नीचे देख रही है. अगेन नीचे. एंड शी इज ऑब्जर्विंग. तो विच इज द करेक्ट. चलिए, आई होप दिस इज द राइट.
6.2 सेंटीमीटर बाकी निकाल निकाल दे सकते हैं।